नमस्कार, कैसे हो आप। यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं एक काम का टॉपिक, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखिए, मुद्दा ये है कि भाई अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है और आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह अपना होम ब्रांच शिफ्ट करना है तो फिर वो कैसे करें, क्योंकि भाई गवर्नमेंट में काम कराना ना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सिंपल सा रास्ता जिसके थ्रू आप अपना होम ब्रांच या आप अपने बैंक का ब्रांच एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, देखते रहिए वीडियो। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ हाँ हाँ, देखो अब। अब देखिए, होम ब्रांच होता क्या है तो मैं बता दूं। जहां पे आपका अकाउंट सबसे पहले खुलता है, ठीक है, वो होता है आपका होम ब्रांच। फॉर एग्जांपल, मैं पहले मुंबई में था, वहां पे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट खोला था, तो वो हो गया मेरा होम ब्रांच। लेकिन अब मैं दिल्ली आ गया हूँ, तो दिल्ली में मैं SBI की सारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाऊंगा, लेकिन वो लिमिटेड होंगी। मतलब जितने फीचर्स मेरे को मेरे होम ब्रांच में मिलेंगे, उतने फीचर्स, उतना प्रिविलेज मेरे को दिल्ली में किसी और ब्रांच पे नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मेरे ट्रांजेक्शन का कोई इशू होता है, मुझे एड्रेस चेंज कराना है, मुझे कुछ काम कराना है, मुझे अपडेट आना है, वो सिर्फ होम ब्रांच में होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप जिस सिटी में रह रहे हो, जिस जगह पे रह रहे हो, आपका जो बैंक का ब्रांच है वो आपके आसपास रहे तो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है, राइट। तो भाई यहां पे ये करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका लंबा वाला है, दूसरा तरीका छोटा वाला, लेकिन आप डिसाइड कर लेना। दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। पहले तरीके में क्या है कि पहले आप अपने पुराने बैंक पे जाओ, मतलब कि मैं पहले मुंबई जाऊँ, वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के मैं उनको बताऊँ कि भाई मैं अपना होम ब्रांच मुंबई से दिल्ली शिफ्ट करना चाहता हूँ, फिर मैं आऊँ दिल्ली और दिल्ली आके मैं दोबारा एक एप्लीकेशन लिखूँ और इनको दूँ अपने दिल्ली वाले ब्रांच को, और फिर मैं उनको बोलूँ कि भैया मेरा जो अकाउंट है उसका होम ब्रांच यहाँ पे शिफ्ट कर दो। प्रोसेस आसान है, बस आपको फॉर्म भरना। लेकिन दिक्कत क्या है ट्रैवलिंग की, मतलब अगर मैं दिल्ली मैं अभी हूं या फिर मैं कहीं भी हूं तो मेरे को पहले तो पुराने बैंक पर जाना पड़ेगा, फिर मेरे को नए बैंक पर जाना पड़ेगा। तो आजकल तो भाई इतना टाइम होता नहीं है किसी का पास, राइट। तो हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। सबसे पहले यहां पे आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू होना चाहिए। अगर वो चालू है तो भैया आपका काम यहां पे बहुत आसानी से बन गया। कैसे, मैं करके दिखाता हूं, आपकी स्क्रीन पर देखते रहिए। तो ये देखिए, ये मैंने अपने इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड डाला और मैं हो गया यहां पे लॉगिन, ठीक है। इसके बाद मेरे अकाउंट की सारी डिटेल्स यहां पे आ गई। उसके बाद मुझे यहाँ पे जाना है सिंपली ई सर्विसेज में। यहाँ पे आप देखो बाकी के ऑप्शन भी दिख रहे हैं, जैसे अपडेट आधार कार्ड, ई कार्ड, ATM कार्ड सर्विस। यहाँ पे भी आपको सबसे नीचे जाना है मोर पे, और मोर पे क्लिक करोगे तो आपको और ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स अकाउंट, इसको क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाती है, फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है, अकाउंट कौन से टाइप का है एंड ऑल। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे आपको पूछा जाता है कि आपका ब्रांच कोड और आपका ब्रांच नेम यहाँ पे डालिए जहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब देखिए, ब्रांच कोड आपको पता करना पड़ेगा, मतलब फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूँ और मेरे को अपना ब्रांच दिल्ली में शिफ्ट करना है, तो मेरे को जिस भी ब्रांच में शिफ्ट करना होगा मुझे वहाँ पर जाना होगा, वहाँ पे वहाँ का ब्रांच कोड लेना होगा। अगर आप नहीं जा सकते तो एक तरीका और है, आप ऑनलाइन जाके गूगल पर सर्च कर लो कि भाई आपको कौन से ब्रांच में अपना अकाउंट शिफ्ट करना है, और गूगल पे आपको ब्रांच कोड बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से ब्रांच कोड लेके आपको यहां पे डालना है। उसके बाद देखो यहां पे गेट ब्रांच नेम डालोगे ना आप जैसे ही, तो यहां पे उस ब्रांच कोड का एड्रेस आ जाएगा, तो आप वेरीफाई कर लो कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, ब्रांच कोड बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है एप्लीकेशन को, तो बस इतना काम करना है। और यहाँ पे आपका जो रिक्वेस्ट है वो चला गया है अब अप्रूवल में, मतलब अभी आधा काम हो गया है, पूरा काम नहीं हुआ, छोटा सा काम और रह गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जल्दी से तैयार होंगे, बिल्कुल नहा धो के और जल्दी से जाएंगे बैंक और फिर वहां पे जाके इस काम को पूरा करेंगे, राइट। तो चलते हैं। ओके, तो बैंक हुआ है मैं और वहाँ पे ये सारे काम करके आ गया हूँ। बेसिकली वहाँ पे किया क्या मैंने अब वो जान लीजिए। तो इस प्रोसेस के बाद जब आपने ऑनलाइन सबमिट कर लिया अपना एप्लीकेशन, उसके बाद भैया आपको बैंक जाना है, वहाँ पे जाके आपको उनको बताना है कि मेरा जो ब्रांच है पर्टिकुलर जगह से इस जगह पर शिफ्ट किया और मैं अपना अकाउंट यहाँ पर लाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो बोलेंगे कि भैया ठीक है आप आ जाओ, मोस्ट वेलकम। उसके लिए आप उनको एक एप्लीकेशन लिख के दे दो, A4 शीट पे एप्लीकेशन लिख दो, टू ब्रांच मैनेजर जो भी है फलाना ढिमकाना, तो सारा चीज़ लिख के नीचे साइन वाइन करके मस्त आप
ब्रांच में सबमिट कर दो और यहाँ पे विद इन आवर्स आपका जो अकाउंट है मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा, या फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जहां भी आप चाहते हो अपना होम ब्रांच शिफ्ट कर सकते हो। तो भाई ये थे यहाँ पे दोनों प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस वन भी बताया, प्रोसेस टू भी बता दिया मैंने आपको। प्रोसेस वन मुझे लगता थोड़ा घूमी टाइप है, प्रोसेस टू आपका बिल्कुल सीधा है, तो आप डिसाइड कर लो आपको घूमी करना है या आपको सीधे रास्ते जाना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है अभी, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, टाइप कर दो। और अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट मतलब बिल्कुल आराम से ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि देखो सरकारी बैंक में काम कराने में आपको अच्छा लक भी चाहिए, अच्छी किस्मत चाहिए, तो अगर आपको अच्छी किस्मत चाहिए तो नीचे चैनल जो है ना उसको सब्सक्राइब कर दो, मैं यहाँ से आपको अच्छी विशेष भेज दूंगा, तो आपका काम शायद जल्दी हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आगे मिलते हैं कुछ नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे, तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।